नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैडबी अब दूसरे चरण में 4.5 से 5th जनरेशन फाइटर जेट में बदलाव की संभावना है। दोस्तों, 2019 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और भारतीय नौसेना के साथ एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की 5वीं पीढ़ी के एमका फाइटर जेट प्रोग्राम को डेक आधारित 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में बदलने की योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बजाय रूसी MiG-29 बेड़े को बदलने के लिए 2026 से 27 की शुरुआत में 4.5 पीढ़ी के ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट TDF को विकसित किया जाएगा। दोस्तों, नौसेना और ADA ने मीटिंग में निर्णय लिया का जो एमका का नौसैनिक वर्जन तैयार करना था, अब उसकी बात नहीं की जाएगी, न ही उसको तैयार किया जाएगा। केवल अब 4.5 जनरेशन के विमान को बनाया जाएगा नौसेना के लिए, और वो TDF होगा और उसको 2026 से 27 तक उसका प्रोटोटाइप बना दिया जाएगा। दोस्तों, ADA के पास प्रस्तावित डिज़ाइन तैयार है। एक बेसलाइन तेजस MK-2 डिज़ाइन का उपयोग करता है और लगभग 25 टन विमान के लिए दूसरे इंजन को शामिल करता है, जिसे एक विमान वाहक से संचालित किया जाता है। ADA के पास दो प्रस्तावित डिज़ाइन तैयार है। दोस्तों, फर्स्ट डिज़ाइन तेजस MK-2 के समान होगी और उसी की तरह F414 इंजन का उपयोग करेगी। बस फर्क इतना है कि TDF में डबल इंजन का उपयोग होगा। दोस्तों, जो दूसरा डिज़ाइन है वो सेमी स्टिल्थ अनुकूलित था और रडार क्रॉस सेक्शन फ्रंट सेक्शन को शामिल करेगा, लेकिन नौसेना इस बात पर अड़ी थी कि TDF शुरू से ही 5वीं पीढ़ी है। दोस्तों, केवल चेंज इतना किया गया है कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो TDF का आगे फ्रंट सेक्शन है उसको स्टेल्थ कर दिया गया ताकि रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम बने और रडार में विमान नज़र नहीं आए। दोस्तों, और साफ मना कर दिया नौसेना ने कि हमारे को 5वीं पीढ़ी के विमान की अभी आवश्यकता नहीं है, और अगर 5वीं पीढ़ी के विमान को बनाना भी होगा तो आप TDF सेकंड को बनाओ, तब उसको 5वीं पीढ़ी के विमान को बना लेना। दोस्तों, लेकिन ADA ने विकास और अनुसंधान के समय रेखा को 2035 में स्थानांतरित कर दिया, और इसके पास एक व्यवहारिक प्रोटोटाइप है जो 2033 के बाद भारतीय नौसेना को स्वीकार्य नहीं था। 2034 के बाद MiG-29K को सेवानिवृत्त करना शुरू करना चाहती थी। दोस्तों, नौसेना नहीं चाहती थी कि 2033 के बाद उसको विमान मिलना शुरू हो, और क्योंकि 2033 के बाद वो अपने MiG-29K को रिटायर करना चाहती थी। उसको पता था कि अगर एमका विमान का हम उपयोग करेंगे तो वो वायुसेना में बनाया जाएगा, उसके बाद नौसैनिक वर्जन तैयार किया जाएगा, जबकि TDF 4.5 जनरेशन के विमान को 2026 से 27 तक इसका प्रोटोटाइप बन जाएगा। दोस्तों, ADA और भारतीय नौसेना पहले 4.5 जनरेशन TDF और 5वीं पीढ़ी के TDF विकसित करने के लिए सहमत हुए। दोस्तों, मतलब TDF फर्स्ट और TDF सेकंड बनाया जाएगा एमका की तरह। जिस तरह से हम एमका फर्स्ट और एमका सेकंड बना रहे हैं, उसी तरह दोस्तों ADA ने और नौसेना ने निर्णय लिया कि हम जब 5वीं पीढ़ी के TDF को बनाएंगे उसको MK-2 रख देंगे उसका नाम, और उसको इंटरनल वेपन बे और पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक 5वीं पीढ़ी के विमान को और बनाया जाएगा। और दोस्तों, जो एमका में टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी 5वीं पीढ़ी की, वही फिर TDF में भी काम में आ जाएगी। दोस्तों, संभवतः 2035 में शुरू होने वाले MC-MK-2 में शामिल होने वाली अधिकांश तकनीक का उपयोग किया जाएगा। 2035 के बाद 4.5 से 5वीं जनरेशन TDF सेनानियों के लिए, जैसे दक्षिणी कोरिया के नेतृत्व वाली काई के F-21, दोस्तों जैसे दक्षिण कोरिया की कंपनी है, उसने 3 संस्करण बनाए। पहले के F-21 फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें पहले इंटरनल वेपन बे नहीं है, उसके मतलब सेकंड या थर्ड पार्ट में इंटरनल वेपन बे। तो भारतीय नौसेना का कहना है कि हमको एमका विमान का नौसैनिक वर्जन नहीं चाहिए, अगर हमारे को मांग होगी कि 5वीं पीढ़ी के विमान की आवश्यकता है तो आप TDF सेकंड बना देना, उसको पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक 5वीं पीढ़ी के विमान बना देना, इंटरनल वेपन बे का उपयोग कर लेना, और टेक्नोलॉजी भी एमका की उपयोग हो जाएगी। और जब तक जो दोस्तों तेजस MK-2 में 414 का इंजन का उपयोग किया जाएगा, उसी इंजन की थ्रस्ट बढ़ाकर 110 किलोन्यूटन का एमका में उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों, हम GE से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद जब इंजन बनाने लगेंगे, तब इस इंजन को MK-2 के लिए और भी 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट के लिए डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों, जो 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन होगा
वही इंजन वापस टेडबी एप में भी उपयोग में हो जाएगा। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी एमका 2 के लिए और एमका के लिए डेवलप की जाएगी वो टेडबी एप 2 में शामिल कर दी जाएगी। तो इस तरह भारतीय नौसेना ने अभी के लिए 4.5 जनरेशन के विमान को चुना और पांचवी पीढ़ी के विमान के लिए नौसेना ने कहा कि आप टेडबी एप सेकंड में चुनेंगे। दोस्तों उनका कहना है कि हमारे को 3 इंजन फाइटर जेट की आवश्यकता है और अभी अगर टेक्नोलॉजी पर यूज़ किया जाएगा तो उतना इंजन दमदार भी नहीं है और हमारे को भारी पेलोड के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरनी होती है, तो इसके लिए हमारे को ज़्यादा ताकतवर इंजन और 4.5 पीढ़ी के विमान की आवश्यकता है। हाँ, नौसेना का यह कहना था कि जब हम MiG-29 को रिटायर करेंगे तब टेडबी एफ सेकंड को जो पांचवी पीढ़ी का होगा उसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।